तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए, यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा पीएबी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से आज हम बात करेंगे एक और न्यू भर्ती, एक और न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो ऑनलाइन आवेदन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ITI प्रशिक्षण अधिकारी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फाइनली ITI TO की भर्ती आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इससे संबंधित दोस्तों हम देख लेते हैं इसका विज्ञापन, विज्ञापन पर क्लिक करेंगे और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे इससे संबंधित सभी जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपकी जो पोस्ट है वो निकाली गई है ITI TO की, ITI प्रशिक्षण अधिकारियों की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके लिए परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर दी गई है, अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने की स्टार्टिंग रहेगी 1 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, और दोस्तों यहाँ पर यदि आपके फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो 1 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक आप इस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। 16/12/2022 शनिवार के दिन से यहाँ पर पेपर स्टार्ट हो गए। पेपर आपके दो शिफ्टों में रहेंगे, जो कि सुबह की शिफ्ट रहेगी 7 बजे से और दोपहर की शिफ्ट रहेगी 12 बजे से। पेपर रहेगा यहाँ पर आपका 9 से 11, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। दोपहर की शिफ्ट में पेपर रहेगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम सेंटर की, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम और सागर ये आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित सभी जानकारी, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, रूल बुक इसकी आने वाली है, क्या क्या यहाँ पर रहेगा तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बात करेंगे फीस की, तो फीस जनरल कैंडिडेट को 500+60 या 520 रुपये आपको लगेगा, SC ST को 320 या फिर 300 या फिर 270 रुपये समथिंग यहां पर आपको फीस लगने वाली है। बैकलॉग कैटेगरी भी यदि आप फॉर्म भरेंगे तो यहां पर आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। बात करेंगे तो अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा, अभ्यर्थी के पास आधार पंजीयन अनिवार्य है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर रोजगार पंजीयन भी आपके पास होना जरूरी रहेगा। ये दोस्तों यहाँ पर आपका भर्ती प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अंतर्गत दोस्तों ये आपको नया तरीके से दिया गया है, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ये इसका नया नाम दिया गया है पीबी व्यापम का। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको जो भर्ती मिलेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक और चीज दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पर चलिए हम इससे संबंधित इसकी जो जानकारी है वो हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। तो यदि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आपके पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार कि कौन कौन सी पोस्ट ITI TO में या फिर ITI प्रशिक्षण अधिकारी के अंतर्गत आपकी यहाँ पर आ सकती है, तो हम बात जाएंगे यहाँ पर एग्जाम के नीचे रूल बुक में, रूल बुक में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 2016 में ये भर्ती निकाली गई थी। तो चलिए दोस्तों 2016 का हमें नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पर कौशल विकास संचालनालय ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2016 रिवाइज रूल बुक पे हम इसको चेकआउट कर लेती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बस आपको यहाँ पर ये दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सी पोस्ट आपको रहेगी, समथिंग आपका यहाँ पर जो एग्जाम का सिलेबस रहेगा वो किस तरीके का रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि एज लिमिट तो आप सभी कैंडिडेट को 18 से 40 साल दी जाएगी और बाकी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि यहाँ पर 5 साल तक का रहेगा, 18 से 45 साल तक आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पोस्टों के विवरण के बारे में, तो पोस्टों के विवरण में जो आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपको पोस्ट मिलेगी, पोस्ट यहाँ पर मत देखिए, ये केवल आप इतना देखिए कि जो प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की आपको यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ITI TO में इलेक्ट्रीशियन की है, ITI TO में डीजल मैकेनिक है, डीजल के बाद ITI अधिकारी, फिटर, मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, कंपोजिट, टर्नर, बेल्डर और ड्राइंग गणित की भी दोस्तों यहां पर आपको पोस्ट दी जाएगी। साथ ही दोस्तों ये जो आपकी भर्ती रहेगी तृतीय श्रेणी की अकार्यपालक श्रेणी के अंतर्गत ही आपको भर्ती रहेगी। इसमें दोस्तों यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI TO में
जो कि है कोपा की। कोपा में दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन और ग्रेड पे की बात करते हैं तो 3200 समथिंग, यहाँ पर 9300 से 34800 प्लस 3200 ग्रेड पे के साथ आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल हो आपके पास, प्लस दोस्तों यहाँ पर एनसीबीटी या एससीबीटी से आपने, आईटीआई से, अप्रेंटिस से या फिर ए लेवल से आपने यहाँ पर आईटीआई कोपा किया हो या फिर आपने पीजीडीसी किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 10 धंधों के अंतर्गत हायर सेकेंडरी 12वीं क्लास पास आउट हो, आईटीआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आपने यहाँ पर 2 ईयर का मल्टीपल यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया हो तो भी अप्लाई कर सकती हैं। मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर के विषय के साथ स्नातक उपाधि की हो या फिर आपने बी की हो आईटी से या सीएसआईटी से बीटेक किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बीसीए एमसीए वाले हैं तो भी आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग कोपा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेम एजटेज रहेगा। इसके बाद आईटीआई इलेक्ट्रीशियन अधिकारी की बात करें तो 3200 ग्रेड पे के साथ रहेगा। आपने यहाँ पर आईटीआई किया हो इलेक्ट्रीशियन से या फिर आपने किया हो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से या फिर आपने बी या बीटेक की हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विद्युत कार के लिए। या फिर बात करेंगे डीजल मैकेनिक की तो यहाँ पर आपने डीजल मैकेनिक से आईटीआई की हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल आपसे यहाँ पर मांगा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बीटेक हो या फिर बी हो या फिर पॉलिटेक्निक हो जिसमें आपकी बी बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ हो। डीजल मैकेनिक का भी दोस्तों यहाँ पर आप देख चुके। इसके बाद फिटर के लिए आईटीआई आपने फिटर से की हो, बाकी यहाँ पर आप ये इसको चेकआउट कर सकते हैं जो जो आपसे यहाँ पर मांगा गया है। फिटर के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मोटर मैकेनिक में दोस्तों आईटीआई मोटर मैकेनिक से हो, एनसीबीटी या फिर आपके पास मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव से आपने किया हो, संबंधित ट्रेड के साथ आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि की है तो ही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहां पर समथिंग जो आपका ड्राइंग का है तो यहाँ पर केवल और केवल आपसे मैथ्स मांगी जाती है। यदि आपने 12वीं या ग्रेजुएशन मैथ्स से किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे सिलेबस के समथिंग की कि सिलेबस क्या रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सिलेबस देख लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर जरा से नीचे देखने को मिलेगा। सिलेबस में क्या क्या आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप जरा से नीचे आएंगे। सिलेबस दोस्तों यहाँ से डिस्क्राइब करके तो नहीं दिया गया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेबस दिया जरूर गया है। सिलेबस में बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा दोस्तों आपका सिलेबस। सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके रहेंगे यहाँ पर 75 मार्क्स के। इसके बाद 25 नंबर में आपका क्या क्या रहेगा जिसमें विज्ञान एवं गणित रहेगी, सामान्य ज्ञान रहेगा, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान समथिंग दोस्तों यहाँ पर यही आपका एग्जाम का सिलेबस रहेगा आईटीआई टीओ का, तो इसको भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी जानकारी भी देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे ही आएगा तो हम आपको इससे संबंधित जानकारी आपको अलग से बताएंगे। पोस्टों का विवरण भी हम आपको बताएंगे कि पोस्टें कितनी समथिंग यहाँ पर आपकी आने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।